हमारा यहां पर क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अगर हम लोग एक कॉन्सेप्ट के रूप में देखें, जीरो का कॉन्सेप्ट क्या था, तो जीरो का कॉन्सेप्ट यह था कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो, कोई भी एक पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ हो तो एक्स का वो वैल्यू कि एक्स के उस वैल्यू को यहां पर एक्स के जगह पर रखने से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो एक्स के उसी वैल्यू को हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब ये हुआ, जीरो अगर निकालना है तो हमें इस पॉलिनोमियल को बनाना होगा जीरो और उसके बाद हमें एक्स का मान निकालना होगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन में क्या है, हमें जीरो ही निकालना है, यानी हमें एक्स का वो वैल्यू निकालना है कि इसमें अगर हम रखते हैं तो पूरा का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, सॉल्यूशन, लेट द पॉलिनोमियल बी एफ एक्स। मान लेते हैं कि जो भी ये पॉलिनोमियल दिया गया है वो एफ एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसलिए यहां पर एफ एक्स का वैल्यू लिखा जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अब क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज पहले कर लेना चाहिए, क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज करके x का वैल्यू निकलता है, तो फैक्टराइज करने का नियम यहाँ पर ये है कि हम लोग ये जो मिडिल टर्म है हम लोग इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। नियम ये है कि इसके लिए ये कांस्टेंट टर्म और ये कांस्टेंट टर्म ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारा आ जाएगा माइनस 24। अगर हमें माइनस 24 अगर आया तो मान लेते हैं कि ये 24 है और इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6 में दो दो फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा और इन दोनों को घटाएंगे तो 23 आएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 आएगा और इन दोनों को घटाएंगे तो 10 आएगा। इन दोनों को जोड़ने से 11 आएगा और इन दोनों को घटाने से 5 आएगा। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ने से 10 आएगा और इन दोनों को घटाने से 2 आएगा। क्योंकि हमें जो मिडिल टर्म है वो कितना है, 5 है, तो 5 कहाँ आ रहा है, 5 आने के लिए हमें इसे दो भागों में बांटना होगा, मतलब 3 और 8 में हमें स्प्लिट करना होगा और इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में लाना है 2x स्क्वायर, तो 5x को प्लस में लाने के लिए ये जो 8 है उसको हम प्लस में लिखेंगे और जो 3 है उसको हम माइनस में लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 8x माइनस 3x, ये देखो ये दो भाग में स्प्लिट हो गया, माइनस 12। अब हम लोग दो दो का पेयर लगा लेंगे, मतलब ये दोनों का पेयर और ये दोनों का पेयर आ जाएगा। तो देखो इन दोनों में कॉमन लो तो 2 एंड x जब कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ गया, 1x बाहर आ गया, तो इसमें 1x बच गया, 8 में से 2 बाहर चला आया और x भी, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा क्योंकि इन दोनों में माइनस है, माइनस को कॉमन ले लिया जाए और 3 भी दोनों में कॉमन है, 3 को कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा क्या, माइनस तो बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, लेकिन पहला टर्म में x बच गया, माइनस के बाहर आने से ये प्लस बन गया। और क्योंकि जो 12 है इसको हम समझ सकते हैं कि 3 × 4 है, तो 3 के बाहर यहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर
फोर बच गया। अब देखो ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में जो एक्स प्लस फोर है वो दोनों में कॉमन है, तो हम लोग एक्स प्लस फोर दोनों से कॉमन ले लेंगे और पहला टर्म में कितना बचेगा 2x और दूसरा में क्या बचेगा 3। तो इस तरीका से हमारा ये जो पॉलिनोमियल था वो फैक्टराइज हो जाता है। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है, तो जीरो निकालने का मतलब ये हुआ कि हर हालत में x के उस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर इसके जगह पर जीरो लिख सकते हैं। और जब जीरो लिखेंगे तो जीरो इक्वल टू एक्स प्लस फोर और टू एक्स माइनस थ्री आएगा। अब इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि एक बार एक्स प्लस फोर का वैल्यू भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों में से कोई भी अगर एक जीरो होगा तो मल्टीप्लाई होके रिजल्ट जीरो ही आएगा। मतलब ये टर्म भी जीरो हो सकता है और ये टर्म भी जीरो हो सकता है, और इसलिए इससे x का वैल्यू माइनस फोर आएगा और इससे x का वैल्यू 3/2 आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि x का यहाँ पर दो वैल्यू आया, माइनस फोर और 3/2। तो x का ये जो दोनों वैल्यू हैं यही हमारे जीरोज हैं और यही हमारे आंसर हैं। तो ये तो ऐसा में सम ऑफ जीरोज जो आएगा, तो इसके अनुसार माइनस फोर प्लस 3/2 आएगा, यानी कि टोटल इसको सॉल्व किया जाएगा तो आएगा माइनस 5/2। ये जो आया, ये दोनों जीरोज जो यहाँ पर आए हैं इन दोनों को जोड़ने के वजह से इतना आया है। लेकिन अगर यही सम ऑफ जीरोज को हम लोग निकालेंगे उस क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि इससे हम लोग निकालेंगे, तो इसका सम ऑफ जीरोज आ जाएगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, तो बी का वैल्यू 5 है तो आ जाएगा माइनस 5, और ए का वैल्यू 2 है तो आ जाएगा 2। तो देखो हमने जो जीरो निकाला है उन दोनों को जोड़ने पर जितना आया, और हमने जो फार्मूला का यूज किया है उसमें से भी जो उतना आया, वो दोनों क्या है, बराबर है। तो एक तो वेरीफाई हो गया। एक और वेरीफिकेशन यहाँ पर करना है, और वो वेरीफिकेशन होगा इनका जो प्रोडक्ट होता है वो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम लोग लिखेंगे। अब तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे होते हैं वो इसके अनुसार, मतलब जो वैल्यू निकले हैं इसके अनुसार अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 6 आएगा। और अब अगर हम लोग इसी को दोबारा इस फार्मूला से अगर करते हैं तो आएगा क्या, सी बाई ए आएगा, ठीक है ना। तो बाई इक्वेशन, यानी कि c बाई ए का मतलब हुआ c का वैल्यू है माइनस 12, ये c का वैल्यू है, और a का वैल्यू हमारा 2 दिया हुआ है तो आ जाएगा माइनस 6। अब ध्यान दो यहाँ पर जीरोज का जो मल्टीप्लीकेशन जितना आया है हमारे फार्मूला से भी उतना ही आया है, यानी दोनों का वैल्यू सेम आया है, तो यहाँ पर भी दोनों